सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हुमा की रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर मसाला। यूँ तो बाज़ार में भी अवेलेबल होता है, लेकिन हम घर पर बना करके भी इस तरीक़े से रख सकते हैं। ये बहुत फ्रेश होता है। और आप ये सांभर मसाला बना करके रखें और जब जी चाहे सांभर में डालें, या फिर आलू की सब्ज़ी पकाएं, या भिंडी की सब्ज़ी में भी इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सांभर मसाला, जिसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 2 चम्मच चना दाल। ये हमने टीस्पून से नापी है हर चीज़। 2 चम्मच चना दाल लिया है। 1 चम्मच हमने उड़द की धुली हुई दाल ली है, जिसको हम माश की धुली हुई दाल भी कहते हैं। 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच सरसों यानी कि राई, और ये आप काली भी ले सकते हैं। 5 अदद लौंग, 20 दाने काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1-1 इंच के हैं तकरीबन, 4 अदद लाल मिर्च सूखी, तकरीबन 10 अदद कड़ी पत्ता, ये दोस्तों हमने सूखा हुआ लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच हल्दी। दोस्तों, एक पैन लेंगे और उसको हम प्रीहीट करेंगे और फिर फ्लेम को स्लो कर देंगे, यानी हमें हाई फ्लेम पर किसी भी चीज़ को नहीं भूनना है। फिर हम इसमें डालेंगे चना दाल, फिर उसके बाद डालेंगे उड़द की दाल। थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर लें। और जैसे ही इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, देखिए थोड़ी सी खुशबू आने लगी है, तो हम फ्लेम को स्लो करेंगे और फिर डालेंगे इसमें ज़ीरा, मेथी दाना, राई, और फिर इसको डाल करके थोड़ा सा चलाएंगे। देखिए अब ज़ीरा और राई चटकने लगी है। हम डालेंगे लौंग, काली मिर्च, लकड़ी और बड़ी इलायची। इसको हम थोड़ा खोल कर डालेंगे। खोल कर हमें इसके दाने डालना है, क्योंकि अगर ये बारीक नहीं पिसती है तो इसके रेशे अच्छे नहीं लगते मसाले में। और अब डालेंगे कड़ी पत्ता और लाल मिर्च और हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। देखिए दाल का कलर भी बदलने लगा है और हमारी मिर्च का कलर भी बदलने लगा है, तो इसका मकसद मसाला एकदम भुनने वाला है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके सभी चीज़ों को पीस लेंगे, और जो पीसी भी चीज़ें हैं उसको भी हम इसमें इस वक्त डाल देंगे और जल्दी जल्दी चला देंगे ताकि ये भी थोड़ी भून जाए। तो देखिए हमने सभी मसालों को बारीक पीस लिया है और फिर हमने निकाला है एक प्लेट में, आप देख सकती हैं। और अब हम इसको एक एयर टाइट जार में भर करके रख लेंगे और जब भी सांभर बनाएं या फिर आलू की सब्ज़ी पकाएं तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।